हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिंपली खाना घर का। तो आज हम बनाएंगे रोस्टेड आलमंड एंड चॉकलेट आइसक्रीम। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही इजीली बन जाती है। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 10 से 15 बादाम यानी कि आलमंड्स लिए हैं। इसे मैं इस तरह एक पैन पर स्लाइटली रोस्ट कर लूँगी। फिर इसे आप एक ग्राइंडर में डाल के इस तरह कोर्सली या फिर ऐसा दरदरा सा इसे पीस लीजिए। साथ ही हम लेंगे एक बड़ा कप भर के कोको पाउडर। ये कोको पाउडर जो है मैंने कैडबरी ब्रांड का लिया है। आप चाहे तो हर्शीज़ लीजिए, बट ट्राई कीजिए कि इन दोनों में से ही कोई लीजिए, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। अनस्वीटन कोको पाउडर लेना है। साथ में मैंने 1 लीटर व्हिपिंग क्रीम लिया है। बिल्कुल ठंडा होना चाहिए आपका व्हिपिंग क्रीम। और ये 400 ग्राम के करीब मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे, जितना आपको टेस्ट के हिसाब से लगेगा उतना। और 1 कप भर के जो हमने आलमंड्स बादाम जो रोस्ट किए थे वो। अब हम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट इस तरह से क्रीम को आप व्हिप करिए। बीच बीच में आप कंडेंस मिल्क भी ऐड करते जाइए और एक थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी या स्टिफ पीक आने तक उसे व्हिप करिए। देखिए इस तरह उसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कोको पाउडर। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी गलती कर रही हूँ, डायरेक्टली कोको पाउडर ऐड करके आपको डायरेक्टली नहीं ऐड करना है। आपको इसे एक स्टेनर या एक छन्नी की मदद से छानकर फिर ऐड करना है, वरना जो ये कोको पाउडर का लम्स क्रीम में रह जाएगा और अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। देखिए इस तरह से आप एक छन्नी से कोको पाउडर को छानिए और फिर ऐड करिए, तो इसमें जो मिक्स वो अच्छे से हो जाएगा और लम्स फॉर्म नहीं होंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको फिर से इसको विस्क नहीं करना है, बस एक प्लास्टिक के कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करके आप चाहे तो इसके बीच में भी आलमंड्स को मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से इसे 3-4 बार टैप करके जो भी इसके अंदर एयर है उसको रिमूव कर लेनी है। और ऊपर से मैंने इसका सरफेस थोड़ा फ्लैट करके आलमंड्स ऊपर से स्प्रेड कर लिया है। आपको अगर पसंद है आलमंड्स तो आप इसको बीच में भी ऐड कर सकते हैं, बट ऊपर से आलमंड का जो क्रंच है खाने के टाइम पर बहुत अच्छा लगता है। अब इसे क्लिंग रैप से ऊपर से कवर करके फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट आप इसे रख दीजिए। इस तरह से क्लिंग रैप को बिल्कुल ही आइसक्रीम का जो टॉप लेयर है उससे ऐसा चिपका कर स्टिक कर कर ऐसे कवर करना है और ऊपर से लिड लगा कर फ्रीज़र में इसे रख दीजिए। 7 से 8 घंटे बाद या फिर ओवरनाइट रखने के बाद आप इसे निकालिए और सर्व कीजिए ज़बरदस्त सी रोस्टेड आलमंड और चॉकलेट आइसक्रीम एट होम। जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल ही स्टोर की आइसक्रीम जैसे होती है, पैक में जो आती है उसकी तरह है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आइसक्रीम आपने घर पर बनाई है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस ज़रूर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।